आखिर रावण के भाई विभीषण क्यों आए महाभारत में पांडव से मिलने। महाभारत के युद्ध में आखिर विभीषण ने किसका साथ दिया था। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल, तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हिंदू धर्म में हमें कुछ चिरंजीवों का वर्णन मिलता है जिन्हें साक्षात ईश्वर द्वारा अमरताओं का वरदान मिला है। ये चिरंजीवी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और अंत में श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार यानी कल के अवतार के दर्शन करेंगे। हनुमान जी और भगवान परशुराम की तरह ही विभीषण की भी गिनती इन्हीं चिरंजीवों में से होती है। इन्हीं की तरह विभीषण आज भी जिंदा है, जिन्हें आज भी श्रीलंका की गुफाओं में देखे जाने का दावा है। कई बार कई सारे लोग कह चुके हैं वही द्वापर युग में भी विभीषण के होने के संकेत मिलते हैं। तो एक सवाल उठता है कि आखिर क्या थी शोषण की महाभारत में भूमिका, और जब विभीषण ने अपने सामने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी। महाभारत के अनुसार द्रौपदी से विवाह के बाद पांडव की पांचाल राज्य से मित्रता हो गई और पांडव अत्यंत शक्तिशाली हो गए। बाद में जब कौरवों को पता चला कि पांडव खंडशक ग्रहों से बच निकले हैं और उन्होंने द्रौपदी से विवाह कर लिया है, तब हस्तिनापुर के महाराजा दशरथ जी ने उन्हें बुलावा भेजा। लेकिन पुत्र मोह के कारण दशरथ जी एक और उलझन में फंस गए। एक तरफ उन्हें पर युधिष्ठिर को युवराज बनाने का दबाव बढ़ता जा रहा था, तो दूसरी तरफ दुर्योधन को भी नाराज नहीं कर सकते थे। इसीलिए इस परिस्थितियों से बचने के लिए उन्होंने एक तीसरा मार्ग निकाला और पांडवों को खांडवप्रस्थ सौंप दिया। इसके बाद पांडवों की असली चुनौती शुरू हुई, क्योंकि खांडवप्रस्थ साधारण स्थान नहीं था बल्कि एक भयानक जंगल था जहां पर भयानक जंगली जानवर रहते हैं और साथ ही कई सारे नाग भी रहते हैं। वहां किसी भी साधारण प्राणी का रहन लगभग असंभव था। ऐसे में सभी पांडवों ने मिलकर दक्ष नाग को हराया और उसके बाद इंद्र को भी पराजित किया। तब सभी पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से मायासुर का सहारा लेकर उसी शहर का सौंदर्यीकरण किया, जिसके बाद एक दिव्य स्वर्ण शहर के रूप में सबके सामने आए। उसे स्थान का नाम रखा गया था इंद्रप्रस्थ। बाद में सभी महारथी हो या और राजाओं के सभी प्रतिनिष्ठाओं को की प्रसिद्धि में वहाँ श्री कृष्ण ने एक महान यज्ञ और ग्रह प्रवेश अनुष्ठान का आयोजन किया। इसी प्रकार निर्माण हुआ एक अत्यंत भय नगर इंद्रप्रस्थ का। निर्माण के बाद युधिष्ठिर ने राजसूय एक का आयोजन किया और इसी यज्ञ में उन्होंने विभिन्न राज्यों के राजाओं को निमंत्रण भेजा और उसके बुलाने पर सभी राजा वहां पर उपस्थित हुए। महाभारत के कुछ संस्करणों के तहत एक लव्य भी युधिष्ठिर के हुए वहां पर यज्ञ में आए थे, क्योंकि वह सतवीरपुर का राजा था। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के इसी राज्य यज्ञ में शिशुपाल का वध किया था। इसी प्रकार युधिष्ठिर के राजीव यज्ञ में सभी छोटे बड़े राजा उपस्थित हुए। ऐसा कहा जाता है कि उसी राजशिव यज्ञ में लंका के राजा विभीषण भी आए थे और इंद्रप्रस्थ पहुंचकर विभीषण ने उसे दैव नगर के दर्शन किए तथा उन्होंने पांडवों के महल को भी देखा। विभीषण ने ये देखा कि युधिष्ठिर के राजपाट के आगे सभी राजा नतमस्तक हो रहे हैं। वे सभी राजा युधिष्ठिर को स्वयं से ऊपर मान रहे हैं और युधिष्ठिर के आगे अपने सर झुका रहे हैं। लेकिन विभीषण ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ना तो युधिष्ठिर की संता को स्वीकारा और ना ही उन्होंने युधिष्ठिर के आगे अपना सर झुकाया गया। ये देखकर अन्य सभी राजाओं ने उसने इसका कारण पूछा। तब विभीषण ने जो उत्तर दिया उसे सुनकर सभी राजा चौंक गए। इसके बाद जो हुआ किसी ने भी उसकी कल्पना नहीं की थी। पूछे जाने पर विभीषण ने यह बताया कि वे भगवान श्री राम को अपना मानते हैं और इसके अलावा वे किसी के आगे नहीं झुकते, चाहे फिर वे कोई धरती का राजा हो या सौरंग का राजा। विभीषण ने कहा कि वे यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें युधिष्ठिर का निमंत्रण मिला था। एक राजा होने के नाते वह उपस्थित हुए हैं, लेकिन वह युधिष्ठिर के
अभिनेता को स्वीकारेंगे नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे स्वयं को भगवान श्री राम के अधीन कर चुके हैं और उसकी इसी भक्ति को देखते हुए श्री राम ने उन्हें अमृत का वरदान दिया है। अतः माँ श्री राम के सिवा किसी और को भी अपना स्वामी नहीं मान सकते। तभी उसे भरे हुए दरबार में आगमन हुआ भगवान श्री कृष्ण का और उसके बड़े भाई बलराम जी को। उनको आता हुआ देख सभी पांडव खड़े हो गए। युधिष्ठिर सिंहासन से उठ गए और स्वयं अर्जुन उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। वहाँ सभी ने श्री कृष्ण के समक्ष अपना सब चुकाया, लेकिन विभीषण ने ऐसा नहीं किया और श्री कृष्ण ने विभीषण को देख लिया। ऐसी माया रची जिसमें विभीषण को श्री कृष्ण में श्री राम और बलराम जी में स्वयं लक्ष्मण जी के दर्शन होने लगे। ये देखकर विभीषण समझ गए कि दोनों उन्हें के अवतार हैं। श्री कृष्ण में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद विभीषण की आंख भर आई। उन्होंने श्री कृष्ण चरण संपन्न किए। विभीषण समझ गए कि ये प्रभु की ही लीला है और वे उनका आशीर्वाद लेकर वापस लौट आए। कहते हैं विभीषण ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। इसके पीछे की भी साफ मंशा थी, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण युद्ध नहीं कर रहे थे, इसलिए विभीषण ने भी किसी का भी साथ नहीं दिया। रावण के भाई होने के बावजूद भी श्री राम के अत्यंत भक्त थे। उन्होंने लंका में रहते हुए श्री राम की भक्ति की तथा रावण के बाद लंका में शासन किया। विभीषण शशि कुल सत्य के पुत्र क्षत्रिय विश्वा और कैफसी के सबसे छोटे पुत्र थे। राक्षसी जाति का होने के बावजूद भी वे बाली और प्रहलाद की तरह हरिभक्त थे। उसका व्यवहार राक्षसों जैसा नहीं था। उन्होंने अपने बड़े भाइयों के साथ ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और वे एक बड़े राम भगत थे। राक्षस नगरी लंका में बावजूद भी वे भगवान विष्णु के परम भगत थे। पिता से मिले गुणों के कारण प्रायः स्त्री को समान की दृष्टि से देखते थे, अथवा उन्होंने माता सीता के हरण का बहुत ज्यादा विरोध भी किया था, लेकिन रावण ने उसकी नहीं सुनी। अतः में रावण का क्या परिणाम हुआ ये सब तो आप जानते ही हैं। अपनी अगली आने वाली वीडियो में हम एक और ऐसे रामायण के योद्धा का जिक्र करेंगे जो स्वयं भगवान श्री राम के कुल थे और उन्होंने युद्ध में स्वयं कौरवों का साथ दिया था। तो आखिर कौन थे श्री राम के वो खास पोते जिन्होंने दिया था कौरवों का साथ? अगले आने वाली वीडियो में इसी बात का पता चलेगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।